بسم الله الرحمن الرحيم. हेलो मेंबर्स, आज मैं आपको रेडिट के पूरी इंफॉर्मेशन के साथ डिटेल बताऊंगा, जिसमें आपको रेडिट बेस्ड एंड कोई भी प्रॉब्लम जो फेस हो रही है वो नहीं हो बिहाइंड द थिंग इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं। टुडे इन दिस रेडिट बिजनेस ट्रेनिंग आई विल टीच यू, मैं आपको इस ट्रेन में बताऊंगा कि हाउ टू मेक अकाउंट कैसे बनाते हैं, हाउ टू इंक्रीज लिंक कर्मा, तो ये मैंने ऑप्शन बताई है, हाउ टू इंक्रीज कमेंट कर्मा, मैंने कमेंट कर्मा के बारे में बताया, फिर बताया है हाउ टू सेल द रेडिट अकाउंट कि आपने उसे सेल एंगेजमेंट करना है, फिर मैंने उसे बताया हुआ रेट मैनेजमेंट एज एन एक्सपर्ट कि जो मतलब रेडिट अकाउंटर से है जो आपने रेट मैनेजमेंट करनी है वो किस तरह करनी है, हाउ टू यूज़ रेडिट ऑन फाइबर मतलब फाइबर पे आपने सर्विस देनी है, यूट्यूब सर्विस, फेसबुक पेज, ट्विटर वेबसाइट, जो से भी देनी है वो मैं आपको बताऊँगा डिटेल से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपने रेडिट पे अकाउंट किस तरह बनाना है, अदरवाइज तो आप सब जानते ही होंगे किस तरह अकाउंट बनता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रेडिट सबसे पहले ये एक्सटेंशन है, आपने वो कर लेनी है अपने रेडिट अकाउंट पे, ये एक्सटेंशन है ये वाली, किसी को चाहिए वो तो उसमें दे दूँगा। चलो ये एक्सटेंशन करने के बाद आपने जाना है रेडिट अकाउंट में, जाना है ये देख, ये मैंने एक्सटेंशन पहले से की हुई है तो मैं आपको बस साइन अप करना बताता हूँ। हमें सबसे पहले तो यूज़र नेम देना है, कोई सा भी दे दे, फिर मतलब जैसे मैं दे देता हूँ आदि, ईमेल ये हम ईमेल दे देते हैं। अच्छा तो आपने ये जब आप रोज हो गया ना, ये हमने अकाउंट बनाने के बाद आपने साइन अप हो जाना, ऑप्शन इन पे चेक लगा सकते हो। अच्छा जी, ये मेरा अकाउंट तैयार है, ये जो उनकी ईमेल आ गई है, अब आपने बस ये करना है अपडेट योर ईमेल एंड पासवर्ड, ये है अपनी ईमेल पासवर्ड अपडेट करनी है, यहाँ पे आपकी ईमेल दी हुई है, आपने बस
पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद हमें सेव कर देना है। आपकी जो ईमेल है ना, आपको आपके ईमेल पे ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। हमने यहाँ जीमेल पे जाना है। जीमेल पे जाने के बाद आपने यहाँ दे देनी है अपनी ईमेल, जिस ईमेल से आपने अकाउंट बनाया है, मतलब उससे ही आपने लॉगिन होने और वहाँ पे आपको ईमेल आई होगी रेडिट की तरफ से, वो आपने बस अपडेट कर देनी है। वहाँ पे जो लिंक होगा वो अपडेट कर देना है, तो आपका जो अकाउंट है ना वो वेरीफाई हो जाएगा आपकी ईमेल से। ये आपका रेडिट की तरफ से ईमेल आई हुई है, वेरीफाई योर ईमेल, ये वेरीफाई लिंक है, इससे आपने ओपन हो जाना है रेडिट अकाउंट। आपने सेंड वेरिफिकेशन ईमेल आईडी आपको आपकी जीमेल पर, अच्छा मैं आपको बताते चलूँ, रेडिट है एक वो सर्विस है जिससे आपकी जो वेबसाइट यूट्यूब या कोई भी आपका मतलब जिस रिलेटेड पे आप काम कर रहे हो वो आपकी बहुत जल्द रैंक हो जाती है साइट। अभी देखते हैं आप यहाँ पे यूज़र न्यू यूज़र लिखा है, जब आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा है सही ना जाएगा ईमेल वेरीफाई। अभी ईमेल वेरीफाई करते हैं हम, ये आ गई रेडिट की ईमेल वेरिफिकेशन लिंक, इसे आपने बस ओपन हो जाना है। ये वेरीफाई हो गया अकाउंट। अब जहाँ पे आपने अपने जाना है रेडिट पे, अब आप देख रहे हैं वेरीफाई ईमेल लिखा हुआ है। अब मैंने जो एक्सटेंशन बताई थी उसका ये फायदा है कि यहाँ पे आप ऐड अकाउंट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने ये अपने दो दिए हुए हैं, यहाँ पे एक और जो मैंने अभी न्यू बनाया है यूट्यूब, हाँ
ये मैंने ऐड एंगल दिया अकाउंट, और तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये हो गया सेव। अब आप देख सकते मेरे ओल्ड अकाउंट, ये मेरे ओल्ड है मतलब जो मैंने बनाए हुए हैं। अच्छा अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रेडिट एंड गोल्ड वाली ऑप्शन है। रेडिट एंड गोल्ड का मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। रेडिट एंड गोल्ड इज ऑल प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, इट ग्रेंट्स योर एक्सेस टू एक्स्ट्रा फीचर टू इम्प्रूव योर रेडिट एक्सपीरियंस, इट आल्सो मेक योर रेडिट क्विक डिपेयर। ये आपका प्रीमियम अकाउंट कर देता है जो आपकी एक्सपीरियंस बेस पे होता है, और आपको इसका एक और बेनिफिट है, आपको जो रेडिट एंड गोल्ड मिलता है उससे आपकी अकाउंट की जो आपकी पोस्ट होती है उसे बुल्ड होने में आपको हेल्प मिल जाती है। और दूसरा रेडिट एंड गोल्ड रेट $22 है, $22 इट्स मीन अगर आपका रेडिट गोल्ड हो जाता है जो आपको एक्सपीरियंस बेस पे दिया हो रेडिट वालों ने, आप अगर अकाउंट सेव भी कर देते हैं तो उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है। अच्छा तो मैं आपको स्टार्टिंग करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको बताऊँगा हाउ टू मेक अकाउंट जो हमने बना कर दिया, अब हाउ टू इंक्रीज लिंक करना पर बाय वॉलपेपर इट्स फनी अदर्स। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ वॉलपेपर के जरिए। ये मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, ये क्योंकि हमारा न्यू अकाउंट है, जो हम न्यू अकाउंट जो कर रहे हो उसके आपको मिनिमम 1 वीक या 10 दिन इंतजार करना पड़ता है पोस्ट करने से पहले। तो ये हमारा 1 मंथ ओल्ड अकाउंट है। हम जाते हैं वॉलपेपर में, ये देखना है, ये सबसे अच्छी सब एडिट है। अब आप इधर देख रहे होंगे 23 ब्राउजर अराउंड, ये परसेंटेज इन्होंने बताई होती है, इतने मेंबर हैं और उनकी ये परसेंटेज है, इतने परसेंटेज अराउंड में है मतलब। और हाँ इस पे फ़ायदा ये होता है आपको, आपकी जो अपवर्ड इंक्रीज होना जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ये देखें, ये 1 घंटे पहले वो, और ये हॉट में शो हो रही है, ये भी हॉट में शो हो रही है, तो इसका ये बेनिफिट है। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है HTWA वॉलपेपर्स। ये HD वॉलपेपर कुछ ये वेबसाइट से उठा लेते हैं, चाहे HD हम वॉलपेपर उठा लेते हैं, कोई सा भी उठा दो, ये उठा लेते हैं बैंटले। ये इन्होंने दूसरा जो बैंटले स्पीड ब्लैक एडिशन, आप चाहो तो ये वॉल पेपर उठा लो, यहाँ से उठा लो। और दूसरा इसका आइडिया भी मैं आपको दे देता हूँ, आपने जाना है सर्च में जाना है, वॉल पेपर में आपको कोई इशू नहीं होता, आप चाहो तो 2 डे ओल्ड पोस्ट हो वो भी आप उठा सकते हो, मतलब वॉल पेपर साइड में कोई ऑप्शन नहीं होती। मैं आपको एक वॉल पेपर दिखा के दिखा देता हूँ गूगल से ही लेके, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। वॉल पेपर में वैसे कोई इशू नहीं होता इतना कि आप जहाँ से मर्जी उठा सकते हो वॉल पेपर, लेकिन आप
2-day-old picture you have. मेरा मशवरा ये है. अच्छा जी, हमने वॉलपेपर से उठा ली पीछे. ये आ गया आपके पास एच डी वॉलपेपर. फ्री वॉलपेपर मतलब ये वेबसाइट है. अगर आप अपनी कोई वेबसाइट बना लेते हो उसमें भी आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है. अच्छा ये वॉलपेपर है, मैं उठा रहा, मुझे वॉलपेपर पसंद आया तो मैं अच्छा सा सेल उठा देता हूँ. अच्छा तो इन्होंने अपनी रेजोल्यूशन इनकी लो है तो चले मैं वॉलपेपर डाउनलोड कर लेता हूँ. सेव इमेज. सेव इमेज करने के बाद आपने अब जल्दी जल्दी काम करना है. हम जाने हैं आई एम गूगल में जाना है. ये भी सबसे अच्छा ऑप्शन है. अगर आपने कोई पिक्चर लेनी है आप जहाँ से भी ले सकते हो. ये थैंक यू ना हो उन्हें के बाद आपने जाना है. ये आप थैंक यू, ये मैंने पहले मैंने पुराने अकाउंट में अपनी फोटोज दी हुई हैं तो अब मैं इसका भी बाद में बेनिफिट आपको बता दूँगा. आई एम गूगल का जो बेनिफिट होता है ना वो आपको मैं बाद में बताऊँगा. अच्छा ये यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं. अगर जो आपकी वेबसाइट है आप अपना लिंक दे दो वॉलपेपर वाला और वो वहाँ से भी इंटरनेट आपके अपलोड हो जाएगी पिक्चर. लेकिन हमारे पिक्सल में मसला आ जाता है इसलिए हमने कंप्यूटर में जाना है. यानी फोटो उठाई. मैं आपको बता देता हूँ ये जो आर वो पेपर इनके मैं आपको रूल बता देता हूँ. अगर तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आपको रेडिट बैन नहीं होती, आपकी रेडिट में कोई इशू नहीं आएगा. लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ इसमें इन्होंने ये देखो हर टाइटल के आगे आप देखोगे इन्होंने अपना पिक्सल बताया हुआ है. ये इम्पोर्टेंट है, आपको अपना जो पिक्सल है होता है ना पिक्चर वाला वो देना लाजमी होता है. अब जैसे 1920 1080 ये आप चाहो तो दे दो, ये दे दो या अगर हाँ ये पिक्सल देना लाजमी है आपको. मतलब टाइटल छोटा हो बड़ा हो लेकिन उसके एंड पे आपने पिक्सल लाजमी देना है. मुझे ये 1280 ये पिक्सल है और एक ये पिक्सल है 2560 1440 ये भी बड़ा अच्छा पिक्सल है. ये बिग बिग फोटो में आ जाता है ये पिक्सल. अच्छा ये मतलब अब
पिक्चर अपलोड होने के बाद आपने अवल तो जो पिक्सल है ना वो आपने सेटिंग कर देनी है। यहाँ से एडिट, अब ये पिक्सल है हमारा तो हमने करना है, हमारा पिक्सल होना चाहिए 1080। पहले हमने ये हटानी है 1920। ये हो गया हमारा पिक्सल सेट हो गया। सेव कर देनी आपने पिक्चर, ये देखेंगे सेम पिक्सल 1920 1080। बट नहीं आप चाहें तो कोई आपके पास मतलब कोई ऐसा फंक्शन है जिसे आप चाहें तो पिक्सल कर सकते हैं आराम से इजीली। अच्छा मैंने ये पिक्सल कर दिया, अब आपने इस ये जो पिक्सल वाली फ़ोटो है इसे दोबारा आपने अपलोड करने डाउनलोड करने, डाउनलोड के लिए आपने ये पहला लिंक के लिए, पहला लिंक नहीं दूसरा लेते हैं। अच्छा ये दूसरा लिंक के लिए आपने ये ब्राउज़र में आपने पेस्ट कर देना। अच्छा ये पेस्ट करने के बाद आपने सेव इमेज, और ये जो जैसे मैंने आपको बताया था पिक्सल आपने देने 1920 1080। ये आपने पिक्सल दे दिया, ये सेव इमेज कर दिया आपने। अब आपने ये जो आप फोटो है ना अब आपने इसे डिलीट कर देना है क्योंकि आपका पिक्सल जो है आपने सेव कर लिया अपना। आपने कंप्यूटर में दोबारा जाना है, ये हम ये फोटो उठा लेंगे ओपन। ये मैं आपको बताता चलूँ, मैंने YouTube पे एक वीडियो बनाई थी हाउ टू सेलेक्ट योर वॉलपेपर टाइटल। अगर आप चाहते हो ना कि अपना टाइटल आपने किस तरह फाइंड करना था, हाउ टू सेलेक्ट वॉलपेपर टाइटल फॉर कैनवा, ये हाउ टू सेलेक्ट वॉलपेपर फॉर लिंक कैनवा रेडिट बिजनेस आप फाइंड कर लो ये आपके लिए बेस्ट है। रेडिट कमेंट करना इनकेस टिप्स मैंने हमें बताई हुई है, आप वो चाहो तो ये भी देख सकते हो वीडियो, इसमें मैंने आपको वॉलपेपर के मोड वगैरह बताई हुई है। अच्छा ये आपने पिक्चर हम कर दी, फोटो आपने हम करने के बाद आपने ये लिंक उठाना है, डायरेक्ट लिंक उठाना है आपने, मतलब जान से नहीं आपने शेयर नहीं करना पिक्चर, शेयर आपने दूसरे सबरेडिट में कर सकते हो, इसमें अलाउ नहीं शेयरिंग। अच्छा पहले आपने सब्सक्राइब कर देना ही था, ये लिंक दे दिया। अब आपने लिखना है एस ई ए एस वही टाइटल, यहाँ पे भी वही लिखना है 1920 1080। ये आपने टाइटल दे दिया, जब आप पहली दफ़ा देते ना तो ये कैप्चर लाजमी देना होता है। TL
R V R C T L R V R C. ये सबमिट हो गए पिछ फोटो हमारी। अब हमने यहाँ का मैं ये देखना आपकी फोटो शो हो गई है। चेक करना लाजमी होता है वॉलपेपर में। हाँ देखो ये वॉलपेपर में भी शो हो गया। ये वॉलपेपर में आपको सबसे पहले आपने जब भी अपना रेडिट अकाउंट बनाना ना वॉलपेपर में आपने पोस्ट कम अज कम 15 दिन ओल्ड अकाउंट से देनी है। यानी कि आपने जब रेडिट अकाउंट बनाना ना उस पर 15 दिन होने चाहिए आपका ओल्ड अकाउंट, फिर आप वॉलपेपर में पोस्ट दे सकते हो। और ये सब रेडिट ऐसी है कि आपको अपलोड जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने पिक्चर में किस तरह देनी है। मैंने आप फोटोज़ में मतलब फ़ोटो से आपने लिंक करना कैसे बनाना है। दूसरी सब रेडिट यूज़ करते हैं ये जो दूसरी हमने बनाई थी। अब यहाँ पे आ गए हम जाते हैं पिक्चर में। वो पिक्स ये आ गए हम पिक्स। अब देख रहे होंगे यहाँ पे रूल बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई भी रूल ब्रेक हुआ तो आपको मतलब ये बैन भी हो सकते हो और आपका मतलब ये कि आपको काफ़ी लॉस हो गया, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है 90 दिन के लिए। 90 दिन बाद वापस आ जाता है अकाउंट, उसमें कोई मसला नहीं है। आपका अकाउंट रेडिट अकाउंट बैन भी हो जाए ना तो आपका 90 दिन में आपका रिकवर हो जाता है वो अकाउंट। अच्छा तो मैं पहले तो आपको मैंने बताया था गूगल से पिक्चर लेना है, अब मैं आपको बताऊंगा जहाँ ओल्ड पिक्चर से, क्योंकि ज़्यादातर पिक्चर होती है आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप गूगल से ले तो रहे हो क्या वो हमारी जहाँ इस सब एडिट में सबमिट हो सकती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होते हैं रूल बहुत ज़्यादा है। सही है, उसके लिए आपने जाना है सर्च में जाना है, जैसे मैंने आपको वॉलपेपर में बताया था आपने सर्च में जाना है। लिमिट माय सर्च अकाउंट पे सिलेक्ट, तो ये सर्च में आप देखे होंगे ये आपका जितने भी ओल्ड पोस्ट है ना वो आपकी शो हो जाती हैं। 1 year old 1 year old 1 year old 3 year old ये पुरानी पोस्ट है। चलिए हम ये वाली पोस्ट उठा लेते ले लेते हैं। ये जो ओल्ड पोस्ट होती हैं आपके सर्च करने से जो ज़्यादा अपलोड वाली होते हैं ना वही आपकी शो होती है। और ये 3 मंथ ओल्ड है मतलब ये अभी कोई फ़ायदा नहीं। अभी हमने लेनी है जो सालों पुरानी हो पोस्ट। साल पुरानी चाहे 1 साल पुरानी 2 साल पुरानी हो या 3 साल, साल पुरानी भी आपको मतलब सही आपके लिए सही होती है, लेकिन उसमें भी फ़र्क आ जाता है आपको। चाहे 10 साल लीटर
loser, ये भी सही नहीं है। एंड चलो मेरे हिसाब से आप ये वाली दे दो। तीन साल पुरानी पोस्ट है ये। हमें सबसे पहले तो पोस्ट पे हम क्लिक कर लें। सेव इमेज, टाइटल हमने वही देना है, इसे सेव कर देना है। सेव एज हो गई। ई फॉर्मेट इज नॉट वैलिड, अच्छा फॉर्मेट नॉट वैलिड है। अच्छा तो ये जो फोटो थी ये मैंने अपलोड कर ली है। अब आपने यहाँ पे शेयर का बटन है, ये शेयर का बटन दबाना है, बटन है, इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। अब आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो सब एडिट है ना पिक्चर वाली PICX वाले पिक्सल, मतलब क्योंकि हमने शेयर किया इसलिए टाइटल हमारा पहले से ही आ गया। ये भी हमने क्योंकि पहली दफ़ा देनी बीच फोटो, इसलिए जहाँ पे भी हमने कोई देना लाजमी है, कैप्चर जिसे बोलते हैं कि जी कैप्चर दे दिया हमने। ये भी हमारी जो पोस्ट है ना वो सबमिट हो गई है। हमने एडिट अकाउंट पे वापस जाना है। जी हमारा शो हो रहा है, मैं भी देख लेते हैं। न्यू ये हमारे आगे एक अपवोट भी हो गया, देख लें आप, आपके सामने अपवोट हो गया, कमेंट भी हो गया। ये जो हमने जहाँ से फोटो ली थी, हाँ ये वाली फोटो ली थी ना, ये उठा दूँ यहाँ से। ये जो टाइटल है आई लैंड गिव जो है ना ब्लॉग, अच्छा माय गार्डन का हेड टू हेड टाइम, ये हमने कॉपी किया यहाँ से। मैं आपको बाद में बताऊंगा हमने कॉपी क्यों किया है। अच्छा ये तीन अब वर्ड आ गए हैं आपके सामने ही है रिजल्ट, अब मैं आपको बताऊंगा हमने कॉपी पेस्ट क्यों किया है।
अब जो ही मैंने आपको बताया था, मैं आपको बाद में पर फनी में भी बताऊंगा, फनी में भी यही मेथड है जो मैंने आपको बताया ना, तीन या तीन साल पुरानी आपने पिक्चर लगानी है, और आपने मतलब जैसे मैंने फॉर्मेट आपको बताया कि आपने जो टाइटल है वो वही देना है, और टाइटल में मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस कर देनी है फनी में, लेकिन आपने पोस्टर वो लगा देनी है तीन साल पुरानी वो पिक्चर। और अदर सब एडिट का मैं आपको बताते चलूँ, उसमें है कैटलॉग आते हैं अदर सब एडिट भी मैं आपको बता देता हूँ, एट लोफ ये भी सबसे अच्छे सब एडिट है। इसमें आप जैसे ही अपनी पोस्ट डालते हैं आपकी पोस्ट हॉट में शुरू होना शुरू हो जाती है, और आपको उसी टाइम अपलोड आना स्टार्ट हो जाते हैं आपके, जब तक आप फिर आपको जल्दी जल्दी इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। आप इसमें ओल्ड पिक्चर चाहे दो तीन महीने पुरानी हो, चार महीने पुरानी हो, वो भी पोस्ट आप लगा सकते हो, इसका कोई आपको मतलब लॉस नहीं होता। ये भी सबसे अच्छी है सब एडिट है। अच्छा तो मैं आपको अब कमा इंक्रीज के बारे में बताऊंगा, ये जो मैंने अपनी न्यू आईडी बताई है इस बनाई है इसमें इसी पे मैं आपको कमेंट करना इंक्रीज करना बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं आप लोग बताता हूँ पिक्चर के जरिए जो मैंने अभी आपके सामने कमेंट कॉपी किया है ना, उससे मैंने जाना है यहाँ में जाना है। पिक्स न्यू, अब जहां पे हमने पोस्ट डाली थी वो हमने ढूंढनी है, ये हमारी पोस्ट है। पहले हमने इसे मतलब कमेंट देना है, यहाँ पे कमेंट देना है जो सब्सक्राइब है, आप चाहो तो अपने पोस्ट पे भी अपवोट दे सकते हो, चाहे वॉलपेपर हो चाहे ये पिक्स हो या कोई भी हो। अच्छा तो अब हमने जाने ये पिक्स हो गया, अब हमने जाने एडिट सबसे पहले तो आपने देखनी है यहाँ पे जो हॉट में पोस्ट है उसमें किसी पोस्ट पे लोग कमेंट हुए हुए हैं या नहीं, अगर हुए हुए हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। जैसे ये पोस्ट है, आप हेलो रेडिटर्स रिलेटेड टू फेमस पीपल व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद देम लाइक, अब इस पे आप देख रहे हो 116 कमेंट है, आप इसमें चले जाओ, ये जो टाइटल है आपने रिसेंट कॉपी करना है, गूगल में जाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है जो टाइटल है आपने एज इट इज। हेलो एडिटर रिलेटिव फेमस पीपल व्हाट इज योर, अब इसमें है मोस्ट मेमोरेबल यू हैड वन जॉब मेमोरी यू व्हाट इज समथिंग यू कैन नॉट पुट द वर्ड्स, अब ये
Famous people then. ये कमेंट यहाँ से भी उठा सकते हो, सामने फेमस पीपल के बारे में बताने हैं। ये आपने यहाँ कमेंट दे दिया, दी शेल वेस्टर्न्स ऑफ स्पेस। अब आपने ये जो आपको मैंने बताया था ना, ये रेडिट एक्सटेंशन, ये रेडिट एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है, आपको खुद से कोडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको ये बना बनाया फॉर्मेट मिल जाता है, आपने बोर्ड कर लेना इसे सेव। अच्छा अभी 7 मिनट है हमारे पास, 7 मिनट बाद, क्योंकि हमने ये पहले पोस्टर दे दी हुई है, इसलिए हमारे पास 7 मिनट है, तो मैं आपके से 7 मिनट बाद, तो जब तक ये वेट हो रहा मैं आपको बताता चलूँ। कि मैंने ये अपना प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ है, नया बनाया, अभी आज ही बनाया है, इसमें जी वो मेंबर ऐड होंगे जो मेरी वीडियो देख लेंगे, और जो वीडियो देखने के बाद इस पे मतलब काम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, और मैं इसी में बताऊंगा आपने काम किस तरह स्टार्ट करना है। ये मैंने पोस्टर लगाई हुई, आपने अपलोड इस किस तरह देना है, आपने मतलब एडिट पे आपने अपना हाथ किस तरह बनाना है, आपने एक्सपर्ट बन जाना है, किस तरह आपने एक्सपर्ट बन जाना है, मतलब एडिट अपलोड प्लान, अपलोड प्लान यथा मुकम्मल, उसके अलावा ये मेरा ग्रुप है जिसमें मैंने आपको ये फाइल दी हुई है, ये गूगल एडिशन हेल्पिंग की बनी है, एडिट वीडियो पोस्ट, ये एडिट वीडियो पोस्ट में जाना है आपने, ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट है, ये पब्लिक के रूप है, इसे आप ओपन कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें मैंने बताया हुआ रेडिट वीडियो सबमिट लिस्ट बाय फेसबुक, ये मतलब मैंने अपने पेज का लिंक भी दिया हुआ है। अच्छा फनी वीडियो है, मतलब इसमें आप फनी वीडियो एडिट एंड वीडियो एंड मूवी, मतलब वीडियो आप देना चाहो, फनी वीडियो या एडिट वीडियो, वीडियो वेबसाइट हो या आपका फेसबुक पेज हो, वो आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली। ये जो सब एडिट मैंने आपको बताया, ये फॉर गेम, गेम की सब एडिट है, इसमें आप गेम रिलेटेड वेबसाइट वीडियो दे सकते हो, ये कुकिंग रेसिपी के मुतालिक है, और ये इस्लामिक है, मतलब अगर कोई आपके पास इस्लामिक मतलब पोस्ट है आपकी वेबसाइट पे या आपकी वीडियो में बनी हुई है इस्लामिक, तो आप इस्लामिक दे दो, अगर आपकी न्यूज़ है तो आप न्यूज़ अपडेट के रिलेटेड वीडियो दे सकते हो यहाँ पे। और हाँ, वीडियो बाद लोग वो होते हैं कि वो बोलते हैं कि जी हम सब एडिट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लिंक में जो हमारे शो होते हैं वो बहुत मतलब वहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बहुत लो शो होते हैं, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको वॉलपेपर में बताया था कि परसेंटेज के हिसाब से वहाँ मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, तो परसेंटेज वो शो होती है जो ऑल सब्सक्राइबर्स हैं उनकी, जो वो परसेंटेज होती है, लेकिन उतने मेंबर नहीं होते हैं, वो जो उनका सर्वर टाइम है वो रात 12 से 12 बजे, मतलब 11 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे इनका सही टाइम है स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने अपने ये जो प्राइवेट ग्रुप है इसमें मैंने आपको टाइमिंग भी बताई हुई है कि आपने अपवोट के लेना है यहाँ से, और आपने उसके लिए आपने टाइमिंग आपको मैंने बताई हुई है, जैसे कि 11 PM to 1 AM सर्विस टाइम ऑफ रेडिट,
के रेडिट का जो ये सर्विस टाइम है वो ये है। अब मैं दोबारा अपने चले जाता हूँ। ये मैंने अपने यहाँ ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है इसका भी मैं चाहूँ, अगर आप यहाँ पे लिखते हो ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट 3,300 मेंबर हैं इसमें, तो ये मेरा ग्रुप का नेम है, ये आप याद रख लो। अगर आपने ज्वाइन होना चाहते हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे मैंने टिप्स वगैरह रेडिट की पहले भी आपको बहुत सारी बताई हुई हैं, लेकिन ये क्योंकि वीडियो है इसमें मैं आपको जो शॉर्ट में बताऊँगा आइडिया। ये मतलब ये सारी बिजनेस आइडियाज़ बताए हैं, रेडिट से मैंने स्टार्ट ली है और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रेडिट से आते आते। फिर यूट्यूब वेबसाइट मतलब जो जो आपने प्रमोट करनी हो, ये आपकी मतलब एरो का निशान आपकी ये प्रमोट होती है और आपका बैच लग जाता है, आप एक्सपर्ट बन जाते हो, SEO एक्सपर्ट बन जाते हो। क्योंकि मैंने ये एक वीडियो भी बनाई हुई है, गूगल में जाएँ आप रेडिट मोटिवेशन के नाम से ये स्टार्ट में आ गया है रेडिट मोटिवेशन। ये वीडियो मेरी रेडिट मोटिवेशन कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, जस्ट 59 सेकेंड कि ये वीडियो है रेडिट आज सब रेडिट फॉर मोटिवेशन फॉर वर्क टू बिकम SEO एक्सपर्ट टू फॉर सक्सेस वीडियो। ये वीडियो मतलब मैंने बनाई हुई है, इसे आप देखने के बाद मोटिवेट हो जाएंगे। जिन जिनको रेडिट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन नहीं है वो मतलब मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताए हुए हैं कि इनका ये फ़ायदा है। उसके अलावा ये रेडिट मोड है, ये भी वीडियो मेरी है वो, ये हाउ टू मैनेज यूट्यूब थर्ड पार्टी। अगर आपको यूट्यूब में कोई इशू है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं रेडिट इंकमिंग क्रिएट्स टिप्स, ये रेडिट इंकमिंग क्रिएट्स टिप्स के बारे में बताया हुआ है। अच्छा तो मेरे ख्याल से जो 7 मिनट हैं वो हो गए हैं पूरे, ये हमने पोस्ट लगा दी। ये हमने पोस्ट लगा दी और तीसरा मैंने आपको बोला था गेमिंग एंड फनी, वो गेमिंग में हमने जाने। ये जैसे हमने पिक्स में मतलब दी थी ना अपनी पोस्ट कि जी दूसरी सब रेडिट दूसरी आईडी से हमने पोस्ट दी और अपनी इस सब रेडिट से हमने ये कमेंट पेस्ट कर दी, इसी तरह हमने ये जितनी भी आपकी सब रेडिट है ना उस पर आपने पोस्ट देनी और हमने ये जो न्यू यूज़र वाले अकाउंट है ना वहाँ पर हमने कमेंट करना इसी तरह बढ़ाने, मतलब Askreddit यहाँ पे भी ऑप्शन होती है। ये देखिए यहाँ से 11 मंथ 1 ईयर, ये आप कोई भी पोस्ट उठा दें और इन पे जो कमेंट हुए हैं वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो अच्छा मैंने आपको बताया था गेमिंग साइट, तो आपने जाना है नियो में जाना है।
फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो ये मतलब इन्होंने दी हो या आपने कम अच्छा आपने कम किसी पे अपवर्ड इस तरह देने हैं, आपने पहले उस कमेंट सेक्शन पे ओपन होने हैं और फिर अपवर्ड देने हैं। बस लोग होते हैं कि जी सब एडिट ओपन की और अपवर्ड दे दिया, उस तरह दूसरे का अकाउंट बैन हो जाता है, बैन हो जाता है या स्पाम में चले जाता है। इसलिए आपने इस तरह नहीं करना, आपने पहले अच्छी तरह फाइंड करना उसे और फिर देनी है। अच्छा ये मैंने पोस्ट उठाई मतलब ओपन की, ये जो लिंक है इसे कॉपी किया। पहले हम देखते हैं कलमा डीके वाली साइड है यहाँ पे कलमा डीके। कलमा डीके वाली साइड है मतलब आप भी कोई आप देखते हो पोस्ट उसे आप चेक करना चाहते हो कि ये मतलब पहले सबमिट हुई है या नहीं। अगर तो 6 महीने से पहले सबमिट नहीं हुई हुई तो आप इसमें कमेंट दे सकते हो। अगर तो ये वो कॉपी पेस्ट है, अब जैसे ये भी ये पोस्ट हुई थी 3 मंथ पहले और ये मतलब ये पोस्ट हुई है 1 ईयर पहले और ये पोस्ट हुई है 3 मंथ पहले, तो ये जापान वाली सब एडिट ये फनी में हुई थी। अब हर सब एडिट का अलग-अलग हिसाब होता है। अच्छा ये पोस्ट मतलब कॉपी पेस्ट नहीं लगती मुझे, ये न्यू है यानी अगर आप कोई देखते हैं ना कि कॉपी पेस्ट पे है ये, तो आपने ओल्ड अकाउंट पे जाने ओल्ड पोस्ट पे जाने और ओल्ड पोस्ट पे मतलब जो भी सब एडिट आप देखते हैं ना वहाँ से आपने कमेंट उठा लेना है। मतलब या तो आप टाइटल ही सिंपल दे दो। अच्छा और इसका ये फ़ायदा है गेमिंग साइट पे आप यूट्यूब अपनी जो आपने गेमिंग अपनी वीडियो बनाई है वो भी देख सकते हो और आपने वीडियो भी आपकी चेक हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, ये वीडियो मैंने ओपन की, ये वीडियो टाइटल है, वीडियो टाइटल लिया हमने वीडियो टाइटल लिया। अगर तो वीडियो पे कमेंट पहले से हुआ हुआ है हमें कमेंट यहाँ से ले लेना है। OMG प्लस वन ये कमेंट भी बड़ा अच्छा है। ये दे दो आप या मैं ये जैसे मैंने आपको बताया कलमा डीके में आपने देखनी है ये वीडियो पोस्ट हुई है या नहीं और आपने ये कमेंट दे दिया। अच्छा इसमें भी टाइम है, मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ दूसरा मेथड ये है हमने न्यू टैब में इसे ओपन कर लिया, वीडियो कॉपी किया टाइटल कलमा डीके में जाना है आपने। ये आपने पेस्ट की वीडियो जो बोलता लिंक है, अब हम ये देखिए आप कुछ हो करवा दिए इसने कि ये डे टीम ये पहले भी वीडियो सबमिट हुई हो इस पर आए हैं 2 कमेंट इस पर दे रहा हूँ। अच्छा
अगर तो गेमिंग साइड में हुई होती ना ये पोस्ट, तो अपन गेमिंग के साइड पे दे सकते थे, लेकिन ये जो वीडियो है ये दूसरी सबरेडिट में पोस्ट हुई है, तो हमने जहाँ उठानी है तो आई शुड स्टार्ट मेकिंग सुपर सिंक साउंड व्हेन आई नेक्स्ट डिड यू पोस्ट दिस ऑन द मींस ऑफ दैट वाज इंप्रेसिव स्टफ ड्यूड। यहाँ से भी आप ले सकते हो आइडिया, लेकिन आपको चाहिए पहले आपने इस पर अपलोड दे देना है। अपलोड वीडियो पर देने के बाद आपने ये जो कमेंट भी आवा नहीं इसे हमने वैसे ही ले यहाँ रहने देना है। इस पर थोड़ी बहुत मैं स्पेस डाल देता हूँ। थोड़ी देर में आपको तीसरी सबरेडिट का रेवेन्यू दे देता हूँ। अच्छा, वॉलपेपर से भी आप वैसे ही बना सकते हो जैसे मैंने आपको पिक्चर में आइडिया दिया है, वैसे ही आप आपकी जो पोस्ट है, मतलब आप देखते हो आपकी पोस्ट हॉट में आ गई है, उस पर कोई किसी ने कमेंट नहीं दिया, अगर तो आपने अपनी जो वॉलपेपर फ़ोटो है वो आपने ओल्ड फोटो से उठाई हुई है, तो आप वहाँ से आइडिया दे के आप अपनी वॉलपेपर पिक्चर फ़ोटो में कोई कमेंट दे दो वहाँ से। अगर आपने ओल्ड नहीं उठाई हुई तो आप तो भी आप दे सकते हो, आपने कोई भी वॉलपेपर में कोई मतलब इतना इशू नहीं आता, कमेंट तो मैं आपको ईजिली मिल जाता है। हाउ टू सेव द रेडिट अकाउंट, अब मैं आपको हाउ टू सेव द रेडिट अकाउंट के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको प्लान बता देता हूँ। प्लान में आपको वर्ड में बता देता हूँ या आप चाहो वर्ड में बता देता हूँ। अच्छा, प्लान के लिए प्लान में आपको नीचे बता देता हूँ। प्लान में ये है कि आपने सब एडिट मतलब एडिट अकाउंट बनाने हैं, उससे पे आपने प्लान से चलने हैं। सबसे पहले तो आपने एडिट अकाउंट बना के ना उस पर काम करना, उस पर आपने टाइम देना 15 दिन या 1 महीना दे दो, आपने टाइम देना और 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आपने जो आज सब एडिट है उन पर आपने काम स्टार्ट कर देना है। और जैसे जैसे आपके मतलब 1000+ लिंक में होते हैं तो आपका अकाउंट ईजिली सेल होगा। और दूसरे हैं मतलब आपने जैसे जैसे कि मैंने आपको अपनी रेडिट मोटिवेशन की वीडियो दिखाई, आपने उसी तरह प्लान बनाने हैं। आपने रेडिट पर किस तरह काम लेना है, आपने सर्विस देनी है देने के लिए रेडिट अकाउंट यूज करने या सेल के लिए, आपने जो प्लान बनाना है उस हिसाब से आपने रेडिट अकाउंट बनाने हैं, मतलब उस हिसाब से आपने रेडिट अकाउंट चलाने हैं। अगर आपने सेल के लिए बनाने हैं तो आपको आपने ये ध्यान में रखना है आपकी किसी भी सब रेडिट में आप बैन ना हो। अच्छा, ये जो मैंने आपको प्लान के बारे में बता दिया उसके बारे में आपने फिर आइडिया लेने हैं। आइडिया में ये मैं बताता हूँ, ये है कि आप अगर आप अपना कि आप रेडिट लिंक मांग के स्लिप मतलब आपने जिसे अपना रेडिट अकाउंट शेयर करने वो आपने मुझे प्लान तो बता दिया, आप उसके बाद आपने आइडिया बताने कि आपका जो लिंक मां होता है उसका बेनिफिट क्या है और जो कमेंट करना है उसका बेनिफिट क्या है, क्या हो सकता है उसे। फॉर एग्जांपल लिंक करना फॉर फॉर
profile authority for post authority. अच्छा मैंने ये आपको दो प्लान बताए हैं, दो आइडिया बताए हैं। इसमें आपको लिंक करना और कमेंट करना, आपका जो बायर आएगा वो आपसे मतलब मालूम लेगा कि आपने अकाउंट में ये बनाया है, मतलब वो आपकी मालूम से ही अंदाज़ा लगा लेता है कि जो आपका रेडिट अकाउंट है वो सेफ है या नहीं। तो आपने उसके लिए मैंने आपको बताया लिंक करना एंड कमेंट करना के बारे में बताया। फिर तीसरा हमारा आ जाता है रेडिट काउंटर रेट मैनेजमेंट एज एन एक्सपर्ट। आपने ये उसे ये आइडिया बताना है आपने उसे शो ये करवाना है कि आप रेडिट पे एक्सपर्ट काम करते हो। तो आपने जी बायर को आपने रेट बताना है, आपने बताने हैं लिंक करना रेट, मतलब आपने उसे नहीं बताना, आपने बस अपना रेट दे देना है उसे, आपने बताना है आप डिस्काउंट रेट आपको आप उसे बता रहे हो। हमने डिस्काउंट रेट इस हिसाब से बताना है कि जो हंड्रेड मैं आपको बता देता हूँ, हंड्रेड लिंक करना 40 के हिसाब से देने हैं और हंड्रेड कमेंट करना 20 के हिसाब से आपने लिखाना है। और अगर तो अकाउंट 1 month ओल्ड है तो आपने उसे ये बताना है कि जो 1 month आपने उसे नहीं बताना, आपने अपने माइंड बना लेना कि अगर मेरा अकाउंट 1 month ओल्ड है तो मैं उसे 100 रुपया अलहदा से लूँगा। अगर जो आपका अकाउंट 5 year old है अकाउंट अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 1 month ओल्ड अकाउंट था 100 रुपये में तो 5 year के हिसाब से हमारा अकाउंट हो गया हमें 1200 को मल्टीप्लाई कर देने 5 से हमने 1200 ज़्यादा फॉर एग्जांपल से मल्टीपल है हमें तो ये बनता है 6000। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस हिसाब से आपने उसे रेटिंग बता दिया कि मैं आपको डिस्काउंट प्राइस में इस
प्राइस पे दूंगा, और अपने ऊपर आपने अगर चार्जेस लेने हैं तो आप वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जैसा चार्जेस ले सकते हो। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया प्लान, पूरा आइडिया बता दिया। अब आपने हाउ टू यूज़ रेडिट ऑन फाइवर, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैंने जो अपनी कमेंट करने वाली जो थी, ये मैं पोस्टर लगा दी और ये अपलोड हुआ है। ये देखें आपके सामने ही सपोर्ट है, मैंने अपनी अपनी पिक्चर पे लिखाया था ये कमेंट, और आपके सामने सपोर्ट है। ये वन कमेंट करना इंक्रीज हुआ है मेरा, तो इस पर आप देख सकते हैं ये फॉर हुआ इंक्रीज। ये वॉलपेपर में मतलब अभी सर्वर टाइम नहीं है ना, इसलिए वॉलपेपर में अभी इंक्रीज नहीं हुआ। अब मैं आपको ले जाता हूँ ये फाइबर पे, यहाँ पे हम लिखते हैं रेडिट रेडिट अच्छा, जो मैंने आपको बताया ना सेल प्लान, वो मैं आपको अपने ये जो सीक्रेट ग्रुप है ना उसमें आपको शेयर कर दूंगा। मैं अभी हम कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा इश्यू ना आए। ग्रुप टाइम हमारा टीम है, हम एक टीम के तौर पे इस पे काम करेंगे रेडिट पे। अच्छा, ये पोस्ट हो गई है, ये हम आगे फाइबर पे। आप देखो, आई विल गिव यू रेडिट ट्रैफिक मैग्नेट गाइड, कि ये बंदा आपको रेडिट ट्रैफिक दे रहा है। आई विल क्रिएट अ रेलिवेंट पोस्ट ऑन रेडिट विद 10 कमेंट एंड ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये $5 चार्जेस ले रहा है और इसकी आप पोस्ट भी देख लें, मतलब 1000 बायर रिसीव हुए हैं इसे, सही है 1000 बायर। और अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो, 1000 बायर $5 दें इसे, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो 1000 को मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तो आप अंदाजा लगा लो कितने इस बंदे ने कमा लिए हैं। ये $100 ले रहा है, ये देख लो, आप खुद ही अंदाजा लगा लो रेडिट का फायदा। बेनिफिट सोशल जॉइस एक्स्ट्रा बूस्ट योर विजिबिलिटी सोशल नेटवर्क। अब जो मैंने आपको रेडिट लिस्ट दिखाई थी ना अपने ग्रुप में, ये वाले क्या बोलते हैं, ये वाले ग्रुप में मैंने आपको अपनी रेडिट लिस्ट दिखाई थी, उसमें आपको मैंने बताया था आप अपनी ये फेसबुक रिलेटेड जो भी है ना पोस्ट वो भी देख सकते हो, मतलब आपने अपना पेज इंक्रीज करना है, बूस्ट करना है, उसका मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया बता देता हूँ। ताकि फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज है, रेडिट बिजनेस वाला पेज है, इस पर मैंने जी पोस्ट लगाई अपनी, कोई वीडियो हुई मेरे पास,
कोई मतलब आर्टिकल हुआ अच्छा सा, मतलब रेडिट मोटिवेशन, अगर आपने रेडिट मोटिवेशन के बारे में मतलब पेज पे ज़्यादा आती नहीं, अगर कोई मेरे पास पिक्चर है ना तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ पोस्टर दिखा सकते हो। अब ये देखने मैंने आपको YouTube की सब रेडिट बताई थी, इसमें आप दे लें कितने बंदे हैं, 18,940 मेंबर हैं इसमें। अब इसमें आप दे लें, इस बंदे ने अपनी ये साउंड क्लाउड जो वेबसाइट है ये भी इसने पोस्ट पहले रखी है और उस पर भी अपलोड हुआ हुआ है। अब ये YouTube कि ज़्यादातर वीडियो इस पे आप, अगर तो आपके पास मतलब कोई वीडियो ऐसी है मतलब साउंड वाली जो आपके पेज में भी है तो आप वो भी देख सकते हो इसमें। मतलब ये सब रेडिट है मोस्टली जो मैंने आपको शेयर की हुई है ना, इनसे आप आइडिया ले सकते हो जो जो है। अब ये देखो ये 20 PR8 PR9 प्रोफाइल एंड 15 EDU प्रोफाइल्स फुल मैनुअल वर्क विद रिपोर्ट। अब ये मतलब ये अथॉरिटी वेबसाइट के बारे में बताया हुआ कि जी ये आपको अथॉरिटी वेबसाइट की बताएगा। और ये देखो ये 945 बंदों ने इसे फेवरेट किया हुआ है अपना। इसी तरह ये डिफरेंट सब एडिट है, वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो कि आपने फाइबर पे आपने सर्विस देनी है। आई विल पोस्ट योर आर्टिकल ऑन रेडिट, रेडिट पे आप आर्टिकल भी दे सकते हो। मतलब आर्टिकल मतलब कि जी कोई वेबसाइट है वो वेबसाइट वाला बंदा है उसने जी अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखे हुए हैं तो आप आप उसे आपको ऑर्डर मिलेगा कि जी मेरी मेरा टाइम मेरा वो आर्टिकल अपनी सब रेडिट में दे दो, मतलब वेबसाइट का लिंक दे दो। वो आपको वेबसाइट का लिंक देगा, आपको वेबसाइट अथॉरिटी भी मिलती है और साथ साथ आपको मतलब ये प्रॉफिट भी होगा। ये आई विल प्रोवाइड मैसिव ट्रैफिक फ्रॉम रेडिट एंड स्टम्बल अपॉन, ये जी ये बंदा रेडिट के अलावा स्टम्बल अपॉन से भी आपको ट्रैफिक देते हैं। मतलब इसी तरह आपको डिफरेंट आइडिया आप दे सकते हो। आई विल पोस्ट योर यूट्यूब वीडियो टू 9607198 पीपल ऑन रेडिट, के जी मतलब कि ये बंदा आपको बहुत, ये छोटी सी सब एडिट है आपको मैंने जैसे मैंने ये मैंने आपको बता देता हूँ रेडिट डॉट कॉम REDIT वीडियोस। अब ये देखें सब एडिट कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा व्यूवर्स हैं और 9919 मेंबर इसमें इस टाइम है। और अब देखते हैं ये जो वीडियो है ये हो गया 12 घंटे पहले अपलोड हुई और इस पे आप विजिटर देख सकते हैं और खुद अंदाजा लगाएं। और अगर आपने कमेंट करना आपने इंक्रीज करनी है आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कमेंट कोई भी ले सकते हैं। आई रियलाइज ही वाज स्पीक इंग्लिश, या ये ले लें आप कोई भी इसमें से कमेंट उठाना चाहिए वो भी ले सकते हैं। अच्छा ये हो गया रेडिट के बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ ये देख मैंने इसमें बताया हुआ यूट्यूब सर्विस हाउ टू यूज रेडिट ऑन फाइबर, यूट्यूब सर्विस, फेसबुक पेजेस, ट्विटर, वेबसाइट, वेबसाइट के लिए भी आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये रेडिट का पेज और रेडिट ग्रुप मैंने किस लिए बनाया। रेडिट पेज मैंने इसलिए बनाया आपको अगर कोई अकाउंट अपना सेल करना है
तो आप अपने हमारे पेज से रब्ता कर सकते हैं रेडिट अकाउंट के बारे में। ये जी हमारा पेज जो रेडिट अकाउंट है वो सेल करवा दो या हमें ये सर्विस देनी है। हम अपने पेज के जरिए रेडिट सर्विस भी दे प्रोवाइड करते हैं। और अगर तो आपको इस ग्रुप में मतलब एडमिन बनना है तो आपको जो मैंने अब तक समझा दी है उसका आपने मुझे प्रूफ सेंड कर देना है ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में एडमिन बना दूँ। एडमिन मतलब ये जो जो बंदा सबसे पहले अपना प्रूफ सेंड करेगा उसे मैं एडमिन बना लूँगा इस पे इस ग्रुप में। और इस ग्रुप में हम एज अ टीम मेंबर काम करेंगे अपवर्ड के लिए। रेडिट अपवर्ड मार्केट या अपवर्ड की मार्केट है आपको मतलब फॉर एग्जांपल आपने अपनी सर्विस रेडी दी हुई है फाइबर पे और आप उसकी वीडियो प्रमोट कर देते हो वीडियोस सब रेडिट में रात के टाइम। तो जी आप अपनी पोस्ट लगा दो इधर आपने अपना ये बता देना है रेड आर वीडियो एंड टाइटल मतलब यहाँ पे आपने लिंक ऊपर आपने लिंक दे देना और नीचे आपने टाइटल दे देना है। और जो मैंने आपको बताया हुआ सर्वर टाइम 11 PM to 1 AM ये आपका सर्वर टाइम है। तो तब आप आई होप आप समझ गए हैं। तो आप तब अब आपकी मुझे फीडबैक लाजमी देना तब देने के लिए अलाफिस। मुझे आपका फीडबैक बैक का इंतज़ार रहेगा।